She galvanized me, steady like steel, back on my feet, living for. Hello guys, good morning. Welcome to my new blog. तो guys, finally मस्त नहा धा के रेडी हो चुके हैं और आ गए हैं पूजा के लिए. तो गाइस यहाँ पे ना कल या परसों से एक पिंपल आ गया है और बस एक ही दिख रहा है यहाँ पे रास्ते में. फिर कल ट्रक एक लग गई है यहाँ पे और इधर मिट्टी है, बट हमें इधर से घूम के जाना पड़ेगा. और गाइस कल ना दो करेन आया था निकालने के लिए एक ट्रक को. इतना ज़्यादा मिट्टी है ना उसमें कि वहाँ से ट्रक ना हल्का भी इधर उधर नहीं हो रहा था. रास्ते में कांट और हम जा रहे हैं वो भी घर से होकर. और क्या तेज धूप लग रही है गाइस. हमने मिट्टी भी ले लिया और ना अभी तक ले कल का ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि एक दिक्कत हो गया. हमने ना सुबह में अपलोड कर दिया था, बट जब हम ब्लॉग देखे ना अपना तो उसमें ना कुछ हमें गड़बड़ लगा, तो इसलिए हम उसको फिर से डिलीट कर गए और फिर से एडिटिंग करना पड़ गया हमें. और कल रात को हम एडिट कर रहे थे, वो भी 12 बजे, और हमें नींद भी लग रही थी, वहीं पर हमें दिक्कत हो गया. गाइस हमें इधर से निकल के जाना पड़ा है और काट चुप रहे हैं हमें. और ऐसा लग रहा है कि हम अभी सो के उठे हुए हैं. और सुबह हम उठते हैं ना 5 बजे, बट हमें ना ब्लॉग स्टार्ट करने में हमें लेट हो जाता है क्योंकि काफ़ी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है. इसीलिए हम जब भी बाहर आते हैं ना ब्लॉग शूट करने के लिए कोई कोई आ जाता है, तो हमें वहाँ से बंद करके अपने घर पे फिर से जाना पड़ता है और फिर वही टाइम पर हमें ब्लॉग शूट करना पड़ता है. और गाइस अभी ना कोई मंदिर के पास आ गया है पूजा करने के लिए, तो इसीलिए अभी ना हम रुक गए हैं यहाँ पर. A few moments later. तो गाइस दोपहर को बज रही है 1 और अभी हम आ चुके हैं घर से बाहर. अभी जस्ट आए और बाबू भी था साथ में, वो चला गया है. और इधर से ना पूरा फेस ब्लैक दिख रहा है, बट इधर से देखिए. और गाइस 3 दिन ना काफ़ी साउंड इतना ज़्यादा हो रहा है ना. और गाइस 3 दिन इतना मौसम अच्छा था ना, पूरा ठंडा मौसम था, बट अभी ना बहुत गर्मी लग रही है 2 दिन से, कल से और आज. और घर पे लाइट भी चली गई है, तो इसीलिए हम लोग घर से बाहर आ गए. अगर बारिश होती है ना तो लाइट भी कटता है तो हम लोग बाहर नहीं निकलते क्योंकि उस टाइम ठंडी मौसम रहती है. गाइस इसमें ना 2 दिन से ट्रक निकल रहा है, अभी तक ले निकला नहीं है ट्रक. और कल ना 2 क्रेन आया था निकालने के लिए, फिर भी नहीं निकला. और आज JCB आया है निकालने के लिए. और गाइस वहाँ पे इतना ज़्यादा मिट्टी है ना कि वहाँ पे चक्का स्लिप पकड़ ले रहा है वहाँ पे, और वहाँ से आगे हल्का भी नहीं हिल रहा है. और मेन दिक्कत हो रहा है हम लोग का क्योंकि हम लोग का सारे रास्ते ख़राब हो जा रहे हैं मिट्टी से, और पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है. पूरा ऐसे घूम के जाना पड़ रहा है रेलवे साइड, और अभी तक रास्ते ही में ट्रक लग गई है.
शाम को बज रही है 5 और अभी हम आ चुके हैं मंदिर के पास। और गाइस हम लोग ना दोपहर में गए थे बड़े वाले मंदिर में घूमने के लिए, हम गए थे और बाबू गया था हमारे साथ। और यहाँ से ना बहुत दूर है और सिर्फ ना 2 दिन से हम अकेले ब्लॉग शूट कर रहे हैं क्योंकि संजना का उसका आने का मन नहीं है और बाबू तो घर पे बाहर मिट्टी है इसीलिए निकल नहीं रहा है बाहर। और गाइस हम 2 दिन से आपको कुछ बताना चाहते हैं बट ना हम भूल जा रहे हैं बताने के लिए, बट अभी हमको याद पड़ गया। हम आए थे कल ना अंजना का चप्पल निकालने के लिए, हम बताए थे कि बाबू डाल दिया है कुआं में। और इसमें पता है हम क्या देखे थे, हमने ना सांप देखा था वो भी कुआं में, बट अभी अंधेरा है अभी नहीं दिखेगा, इसमें सुबह के टाइम में दिखेगा। सन जब इसके सामने रहेगा ना तो सीधे डायरेक्ट कुआं में प्रकाश जाता है, बट अभी पूरा अंधेरा है। और कल ना हमारे घर में भी सांप निकल गया था रात को, और पूरा हमें नहीं पता चला कि कौन सा सांप है, बट उसको ना हम देखे थे पूरा ब्लैक था। गाइस हम बैठे हैं यहाँ पे क्योंकि ना गर्मी बहुत तेज वाली लग रही है, तो यहाँ पे तो मतलब हवा भी नहीं चल रहा है, शाम हो चुका है इसीलिए। और बाबू हमें देख देख के ना घर में चला जा रहा है, बार बार आ रहा है बार बार जा रहा है कि हम उसको पकड़ेंगे। तो गाइस अभी चलते हैं छत पे क्योंकि ना हमें काम भी है छत पे, और कुछ डाले हैं सूखने के लिए उसको लेके आना है नीचे। Yeah, she asked for...